उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में यूपी पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, 6 पुलिस वाले जख्मी। खनन माफिया जफर की तलाश में पहुंची यूपी पुलिस की टीम पर फायरिंग, गोलीबारी में भरतपुर में ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी की मौत। भुल्लर की पत्नी की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, पुलिस वालों को बंधक बनाकर पीटा गया, कुंडा रोड को किया जाम। 20,000 के इनामी बदमाश जफर की गोली से 2 पुलिस वाले भी घायल हुए, हंगामे के बीच जफर हुआ फरार। घायल पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती, पुलिस का आरोप कुछ सिपाही और हथियार अभी तक लापता। उत्तराखंड पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर कर रही है जांच, यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की जाएगी। यूपी के सुल्तानपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में झड़प, पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इब्राहिम इलाके में मस्जिद के पास तेज आवाज में डीजे बजाने पर शुरुआत विवाद, पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए। FIR में 51 नामजद और 35 अज्ञात आरोपी, ज्यादातर आरोपी मदरसे में पढ़ने वाले छात्र, सर्वे में मदरसे पाया गया था अवैध। FIR में मस्जिद से ईंट और पत्थर चलाए जाने का जिक्र किया गया, हंगामे के कई लोग घायल हुए हैं। कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कर्नाटक हाई कोर्ट हिजाब बैन को हटाने की याचिका खारिज कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को फैसला रख लिया था सुरक्षित। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ सुनाएगी फैसला, 21 वकीलों की बीच 10 दिन तक चली थी बहस। नोटबंदी पर केंद्र और RBI की सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, से पूछा किस कानून के तहत 1,000 और 500 के नोट बंद किए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर को मांगा जवाब, कहा उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी की गई है उसकी जांच की जानी चाहिए और हमें यह तय करने के लिए वकील को सुनना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ विभाग में 223 करोड़ का घोटाला सामने आया, CBI ने अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। CBI ने शुरू की जांच, बैंक ऑफ बड़ौदा के पहाड़गंज ब्रांच के सीनियर ब्रांच मैनेजर LA खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पीएम मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा, ऊना में 4th वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान IIIT देश को करेंगे समर्पित, बल्क ड्रग पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। ऊना के बाद चंबा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करेंगे लॉन्च, जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज अहमदाबाद दौरा, गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह उनाई में आदिवासी विकास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, उनाई माता के दर्शन भी करेंगे। जम्मू में वोटर लिस्ट में सियासी घमासान, 1 साल से जिले में रहने वाले बन सकेंगे वोटर। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए लोगों की रिहाइश का प्रूफ देना होगा, प्रूफ नहीं होने पर ग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद वोटर्स लिस्ट में नाम शामिल होगा। PDP ने फैसले का किया विरोध, महबूबा मुफ्ती बोली लोकल लोगों के वोट की कीमत खत्म करने की प्लानिंग। महबूबा ने आदेश को बताया BJP की चाल, कहा BJP हिंदुओं को मुसलमानों को लड़वाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी फैसले को बताया गलत, कहा कि 25 लाख बाहरी लोगों को जोड़ने की साजिश की जा रही। गुलाम नबी आजाद का बयान, सिर्फ स्थानीय लोगों को ही जम्मू कश्मीर में वोट देने का हक होना चाहिए। मुंबई के पूर्वी अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के चुनाव लड़ने पर आज फैसला होगा, बॉम्बे हाईकोर्ट सुबह 11 बजे कर सकता है सुनवाई। 14 अक्टूबर है उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख, ऋतुजा का अभी तक सरकारी नौकरी से इस्तीफा नहीं मंजूर हुआ है। उद्धव गुट का आरोप, CM एकनाथ शिंदे के दबाव में ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऋतुजा लटके को लेकर BMC कमिश्नर का बयान, 3 अक्टूबर को इस्तीफे के लिए आवेदन किया, सरकार के दबाव का सवाल ही नहीं उठता। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बाला साहब की शिवसेना और BJP मिलकर लड़ेंगे चुनाव, किसका उम्मीदवार लड़ेगा मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही बयान में फंसे, 2024 के PM के सवाल पर कहा बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। खड़गे के बयान पर भड़की BJP, मुसलमानों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। आमिर खान के विज्ञापन पर भड़के मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा ऐसे विज्ञापनों से आहत होती धार्मिक भावनाएं। नरोत्तम मिश्रा की आमिर खान को नसीहत, भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन करें। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, लिखा ऐसी बकवास करते हैं और फिर कहते हैं हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास तंजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ दर्ज की FIR को खारिज किया। कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जताई कि जिवाल पर बयान के बाद दर्ज हुई FIR। बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, गिरफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी की तेज रफ्तार देखकर लोग डरे। आफत की बारिश में कहीं कार बह गया तो कहीं पर ऑटो, बाइक बचाने के चक्कर में बाइक सवार को भी बहा ले गई पानी की तेज धार। बारिश का पानी शहर के रिहायशी इलाकों में भी घुसा, घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। घरों में गंदा पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी, पानी निकालने के लिए लोगों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मदुरई में भी देर रात भारी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित इलाके में पुलिस की टीम पहुंची, बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। यूपी के गोरखपुर में मूसलाधार बारिश, राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी के किनारे गांव में लोगों को अलर्ट किया। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। CM योगी ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, बाढ़ पीड़ितों के को राहत सामग्री बांटी। CM योगी ने कहा कि जिनके घर नदी में समा गए हैं उन्हें PM आवास के तहत घर दिया जाएगा। नेपाल के बर्दिया में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 35 लोग बह गए, दर्जन लोग लापता हैं, NDRF की टीम इलाके में तैनात है।
बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी में एक नाव डूबी, हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत, 23 की सुरक्षित बचाया गया। यूपी के बहराइच में एक स्कूल में हादसा, झूला टूटने से एक स्टूडेंट की मौत, एक जख्मी। राजस्थान के मकराना में बच्चा चोर समझकर दलित महिला की पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में शामिल, तेलंगाना से हुआ गिरफ्तार, आरोपी 50,000 का इनाम था। कर्नाटक के हावेरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, 20 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामेश्वरम में पंबन रोड ब्रिज पर दो बसों में टक्कर, 5 लोग जख्मी, पुल की रेलिंग में फंसकर बाल बाल बच्ची बस। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में अचानक आग लगी, हादसे में कोई हताहत नहीं, समय रहते बस से लोगों को निकाला गया। असम के करीमगंज में पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। गुजरात में गिर के सोमनाथ में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप लगा, पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, एफएसएल की टीम सबूत जुटाने के लिए जगह जगह से नमूने इकट्ठा कर रही है। बेंगलुरु में घर की दीवार गिरने के विरोध में पति पत्नी की सुइसाइड की कोशिश, पुलिस ने पानी का छिड़काव करके दोनों को बचाया। यूपी के शामली में पुलिस इंचार्ज के साथ की गाली गलौज और मारपीट के आरोप में दो लोग गिरफ्तार, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के बरेली में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बैठे रेलवे कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। मध्यप्रदेश के इंदौर में 35वीं बीएसएफ वाटर फ्रंटियर कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, 15 अक्टूबर को होगा समापन। केरल के कोट्टायम में स्कूल की छात्रा बेचती है लॉटरी, दिव्यांग पिता की मदद के लिए स्कूल से आने के बाद करती है लॉटरी का काम। उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, भारी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे लोग, भक्तों ने कहा अद्भुत नजारा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव पारित, वोटिंग में भारत नहीं हुआ शामिल। यूएन में प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने और विरोध में 5 देशों ने वोट किया, जबकि भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूएन ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे को बताया अवैध, तुरंत कब्जा छोड़ने की मांग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को भरोसा दिया, जल्द ही और तोप, रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो हमें पेंटागन से पूछने की जरूरत नहीं। पुतिन के साथ बातचीत में IAEA ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 टूक, रूस कम कीमत पर तेल नहीं बेचेगा। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.4% रही, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। पेट्रोल डीजल और LPG की कीमत हो सकती है कम, केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। सितंबर तिमाही में IT कंपनी विप्रो का मुनाफा हुआ कम, लेकिन आय 15% बड़ी, मुनाफा 9% गिरकर 2,659 करोड़। महिला क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत का थाईलैंड से मुकाबला है, बड़ी जीत की उम्मीद है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए मोहम्मद शमी, फ्लाइट में बैठे तस्वीर शेयर की। ICC ने T20 रैंकिंग जारी की, सूर्य कुमार यादव बाबर आजम से आगे दूसरे स्थान पर बरकरार। विराट कोहली 14वें और कप्तान रोहित शर्मा 16वें नंबर पर काबिज। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, एक कैलेंडर ईयर में 38वां मैच जीता। ICC पुरुष वर्ल्ड कप सुपर लीग में 129 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका से आगे श्रीलंका और आयरलैंड। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेलिस्टन ने सूर्य कुमार की डिविलियर्स से की तुलना, कहा मैदान के चारों तरफ शॉट मारने में सक्षम है अद्भुत खिलाड़ी। दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे। T20 ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 48 रन से हरा दिया है, फाइनल में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। मुक्केबाज लवलीना ने 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता गोल्ड, हरियाणा की स्वीटी को 5-0 से हराया। सूरत के इंडोर स्टेडियम में 36वें इंटरनेशनल गेम्स का समापन हुआ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। सुशील कुमार पर सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोप तय हुआ, 18 लोगों को हो सकती है सजा। डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर लगा 3 साल का बैन, प्रतिबंधित दवा के इस्तेमाल के करने पर हुई है कार्रवाई। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया आगामी फिल्म मिली का टीजर, -16 डिग्री में फंसी नजर आई जानवी। पहली बार पापा बोनी कपूर के प्रोडक्शन में काम कर रही हैं जानवी, 4 नवंबर को रिलीज होगी मिली। अनन्या पांडे की फिल्म में खो गए हम कहां की शूटिंग पूरी हुई, अनन्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। परिणीति चोपड़ा ने कोड नेम तिरंगा को बताया अपने करियर का दूसरा दौर, कहा परिणीति 2 एक नया और बेहतर दौर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।